हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दी एग्ज़ाम्स मे इड सिंपल सो वी आर बैक विद द पीआईबी एंड ए आई आर न्यूज़ फॉर थर्ड ऑफ मार्च ओके और सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रैंड इथियोपियन रिनासा डैम इज बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर अभी ये बिल्ड किया जा रहा है तो कौन सी नदी पे किया जा रहा है सेकंड क्वेश्चन इज़ वेयर कैन यू करेंटली फाइंड इंडस डॉल्फिन इंडस डॉल्फिन का जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लेटेनस्टा गैनजिटिका माइनर तो आ, ये बता दूं कि जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन इंडियन सब में पाई जाती है वो आ, दो टाइप की होती हैं वन इज़ इंडस डॉल्फिन द अदर इज़ दी गैनजिटिक डॉल्फिन तो गैन्जिटिक डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम है प्लेटेनस्टा गैन्जिटिका गैनजिटिका ओके और इंडस डॉल्फिन जो थी वो वो एक्सटिंक्ट हो गई थी बट अभी वो फिर से मतलब पाई गई है और उसका कंजर्वेशन किया जा रहा है तो वो अभी कहाँ आपको मिल जाएगी वो आपको बताना है ना वट डू यू अंडरस्टैंड बाय विल्डरनेस रीजन सो दीज वर द्री क्वेश्चन फॉर टूडे आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं तो संडे uh, uh, होने की वजह से ज़्यादा मिनिस्ट्री uh, की न्यूज नहीं आती है एक आर्टिकल लेकिन बहुत अच्छा था ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट न्यूज़ इज नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हैज़ बीन लेड एट सीहोर इन एम पी तो इसका फाउंडेशन स्टोन uh, ले किया गया है तो किसने किया है डिपार्टमेंट ऑफ

तो कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन के लिए फिर गवर्नमेंट की हेल्प की जाएगी पॉलिसी और प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करने में और इसके अलावा कई सारे कोर्सेज़ भी रहेंगे सर्टिफिकेट कोर्स से लेके एम तक तो जो भी एरियाज़ रिलेटेड है मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन से जैसे वोकेशनल काउंसिलिंग साइकेट्रिक नर्सिंग केयर गिविंग कम्यूनिटी बेस्ड रीहैब इन सब के ऊपर यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे ओके okay? मेन जो है वो यही याद रखना है कि मेंटल हेल्थ एप का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो सीहोर में है फाइन नाउ सेकेंड आर्टिकल इज अबाउट द मून सनबर्न सो दिस इज आईरोनिकल ओके दे आर नॉट एक्सैक्टली

क्यों फॉर्म होते हैं उसके बारे में है ये ओके okay? और दे नासा हैज़ डिस्कवर्ड दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन सन्स डैमेजिंग रेडिएशन विद पॉकेट्स ऑफ लूनर मैग्नेटिक फील्ड तो यही मेन रीज़न है uh, कि जो सन की रेडिएशन्स होती हैं ओके डैमेज वो बहुत डैमेजिंग होती हैं तो जब वो लूनर मून uh, के यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ में इंटरेक्ट करती हैं अब मून पे मैग्नेटिक फील्ड के छोटे छोटे पॉकेट्स हैं तो उनसे जब वो इंटरेक्ट uh, करती है तो ये स्वॉल्स बनते हैं अब ये जो डेटा लिया गया है ये नासा का एक मिशन था आर्टिमिस मिशन तो जो थंबनेल भी है वो आर्टिमिस मिशन का ही है आर्टिमिस इज फॉर एक्सेलरेशन रिकनेक्शन टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ द मून इंटरेक्शन विद द सन काफ़ी कॉम्प्लेक्स इसका फुल फॉर्म है लेकिन याद रखिएगा इसको दोबारा दोहरा रही हूँ एक्सेलरेशन रिकनेक्शन टर्ब्यूलेंस एंड इलेक्ट्रोडाइनमिक्स ऑफ द मून्स इंटरेक्शन विद द सन तो अब इस मिशन से ये पता चला है ओके okay, और जो सन है वो कंटिन्यूसली उसमें से पार्टिकल्स और रेडिएशंस निकलते रहते हैं जिनको सोलर विंड कहते हैं और वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो जितने प्लैनेट्स मूनस और हमारे सोलर सिस्टम की जितनी भी बॉडीज़ हैं उनके ऊपर वहाँ तक जाती हैं ये सोलर विंड्स और एक पूरा बबल क्रिएट कर देती हैं स्पेस में जिसको हेलियोस्फेयर कहा जाता है तो अगर आपसे हेलियोस्फेयर का एक्सटेंट पूछा जाए तो इट एक्सटेंड्स फार पास्ट दी ऑर्बिट ऑफ प्लूटो तो प्लूटो से काफी आगे तक जाता है एंड दैट ऑल कॉन्स्टिट्यूट हेलियोस्फेयर ओके तो फिर अर्थ कैसे प्रोटेक्टेड है इन डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ सोलर विंड से तो सोलर विंड जो है वो मैग्नेटाइज्ड है और अर्थ की जो नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है अब अर्थ में पूरे ग्लोबली अगर कहा जाए तो एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है जो कि नेचुरली उसमें है प्रेजेंट बिकॉज ऑफ आर आयरन कोर ऑफ द अर्थ तो वो जो है वो डिफ्लेक्ट कर देती हैं इन सोलर विंड्स को तो इसकी वजह से हमारे प्लानिट तक बहुत कम फ्रैक्शन इन विंड्स का पहुँच पाता है पर मून में क्या दिक्कत है मून में कोई भी ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जैसे मैंने आपको बताया वहाँ छोटे छोटे पॉकेट्स हैं तो अब इस इंफॉर्मेशन से क्या आप समझ में आ रहा है कि रिसर्चर्स ने वॉर्न किया है कि आ, अगर एस्ट्रोनॉट्स मून तक जाते हैं तो उनको वहाँ पे इन सोलर विंड्स और जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं रेडिएशन के डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं उनसे बचाने के लिए इस थ्योरी का यूज़ किया जा सकता है ओके तो वहाँ पे तो जो छोटे छोटे ये बबल्स हैं जो पॉकेट्स हैं मैग्नेटिक सनस्क्रीन के ये डिफ्लेक्ट कर लेते हैं सोलर विंड पार्टिकल्स को लेकिन यहाँ का जो मैगनेटिज़म है मून का वो बहुत कम है तो अगर एस्ट्रोनोट्स को आगे भेजा जाए तो उसको मतलब उनको इस इन विंड से प्रोटेक्ट करना चाहिए ओके okay? तो इसमें एक और एक टर्म है रेगोलिथ तो ये यूज किया गया है फॉर द मटेरियल दैट मेक्स अप द मून सरफेस उसको रेगोलिथ कहते हैं और ये जो मैग्नेटिक ये छोटे छोटे अम्ब्रेलाज हैं मून के ये इस रेगोलिथ को सन के पार्टिकल्स से बचाता है शील्ड्स देम फ्रॉम सन्स पार्टिकल्स ना प्रयागराज कुंभ मेला तो अब बस ये ख़त्म होने वाला है सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक और ये प्रयागराज कुंभ मेला जो है इसमें गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने इस बार टू नाइनटीन के मेले में तीन सेक्टर्स में फर्स्ट वाज़ द लार्जेस्ट ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट प्लान बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और क्राउड बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया उसके अलावा बिगेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक साइट्स ओके अंडर पे, यहाँ पे एक स्कीम थी अभी पेंट माई सिटी स्कीम तो उसमें सब बहुत लार्ज लेवल पे हुई और तीसरा है बिगेस्ट सैनिटेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल ओके तो अभी हमने उस दिन देखा भी था कि आ, सैनिटेशन वर्कर्स का इस वजह से आ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सम्मान भी किया था ओके नाउ अबाउट रेस् रेस्लर बजरंग पूनिया तो उन्होंने अभी गोल्ड जीता है इन बुल्गारिया तो टूर्नामेंट जो था वो था डैन कोलोव निकोला पेट्रोव ठीक है मतलब ऐसे तो कहीं आएगा नहीं पर अगर केवल नाम आता है तो याद रखना कि ये बुल्गारिया में हुआ था और ये रेसलिंग का टूर्नामेंट था जहाँ पे बजरंग पुनिया जो है हमारे उन्होंने गोल्ड जीता एंड ही डेडिकेटेड दिस विक्ट्री टू दी इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ओके तो उन्होंने कहा मुझे इन्हीं से इंस्पिरेशन मिला था ओके नाउ रशियन फिजिसिस्ट एंड नोबल लॉरेट जोर्स एल्फेरोव ऑफ तो आ, इनको मतलब नोबल uh, प्राइज़ मिला था फिजिक्स में 2000 में मिला था इनको विथ यू एस साइंटिस्ट जैक किल्बी एंड हर्बर्ट क्रोमर और uh, किस लिए मिला था सेमी कंडक्टर हेट्रोस्ट्रक्चर्स बनाने के लिए विच आर यूज इन हाई स्पीड एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स तो सेमी कंडर हेट्रोस्ट्रक्चर्स क्या होते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ओके okay. और ऑप्टो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है वो स्टडी और एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो कि लाइट को सोर्स डिटेक्ट और कंट्रोल करते हैं और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये सब फील्ड है फोटो photo, फोटोनिक्स uh, की इसकी एक और बहुत सिंपल डेफिनेशन थी कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी टेक्नोलॉजी की ब्रांच है जो कि विच इज़ कंसर्न विद द कम्बाइंड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लाइट तो इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइट के कम्बाइंड यूज़ से uh, ये टेक्नोलॉजी तो ये ये जो है 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 यूएन द्वारा किया किया जाता जाता याद रखना को और ये क्यों किया जाता है टू प्रमोट एंड सेलिब्रेट एवरी राइट right. हर किसी का हर किसी के जो राइट्स हैं जो हक उनको प्रमोट करने के लिए और उनको सेलिब्रेट करने के लिए रिगार्डलेस ऑफ देर एज कोई भी एज हो कोई भी जेंडर सेक्शुअलिटी नेशनैलिटी एथनिसिटी और स्किन कलर तो ये इसीलिए यह है कि जो राइट टू लिव लाइफ विथ डिग्निटी है उस चीज़ को मतलब और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए कि आपकी कोई भी चॉइसेस हो आप कोई भी प्रोफेशन को बिलोंग करते हो या इलनेस ही क्यों ना हो डिसबिलिटी उन सब के रिगार्डलेस आपको जो राइट टू लाइफ मिला हुआ है लिव लाइफ विद डिग्निटी उसको प्रमोट करने के लिए है ये याद रखना कि इसका जो सिंबल रहता है वो बटरफ्लाई रहता है और इसको पहली बार इस दिन को फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फोर्टीन में मनाया गया था और इसको लॉन्च किया था यू एन एड्स ने तो यू एन एड्स जो है वो यू एन का ही प्रोग्राम है और एच आई वी और एड्स के लिए है और इन्होंने ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे तो लॉन्च किया ही था उसके पहले जीरो डिस्क्रिमिनेशन कैंपेन भी लॉन्च किया था यूएन एड्स ने ही और वर्ल्ड एड्स डे के दिन किया था दिसंबर 2013 में ओके और वर्ल्ड एड्स डे कब आता है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अ नाइस डे